नमस्कार दोस्तों, mayonnaisekitchen.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे केले की सब्जी, जिसके लिए हमें चाहिए कच्चे केले करीब 4, एक मीडियम साइज का आलू, 4 प्याज, एक लहसुन, दालचीनी का एक टुकड़ा और इलायची 2 से 3, देसी घी करीब 1 छोटे चम्मच, देसी घी करीब 3 से 4 छोटे चम्मच। थोड़े पानी में एक चम्मच करीब हल्दी डालेंगे और केले को काट के उसमें डालेंगे ताकि वो जो काढ़ापन है वो निकल जाएगा। हम 4 प्याज में से 2 प्याज को काट के अलग रखेंगे और 2 प्याज और लहसुन को छिलका निकाल कर लहसुन का और प्याज को काट के हम इसको पीस लेंगे। हमने दालचीनी और इलायची को पीस लिया है और इसमें एक चम्मच करीब आधा चम्मच करीब हल्दी डालेंगे। और मिर्च पाउडर डालेंगे अपने हिसाब से। अब कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें घी डालेंगे, देसी घी 3 से 4 चम्मच। कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच करीब देसी घी डालेंगे। और उसमें सब्जी को डालेंगे। अब नमक डालेंगे करीब 1 छोटे चम्मच। पानी डालेंगे। हम इसको अब पकाएंगे सब्जी पकने तक। सब्जी अब पक गया है, हमने इसे 15 मिनट तक पकाया। इसे निकाल के रखेंगे। मसाला को हमने पीस लिया है। अब कढ़ाई गरम करेंगे। 2 चम्मच करीब 3 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 2 चम्मच देसी घी। प्याज को डालेंगे। प्याज अब हो गया है, अब मसाले को डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ी देर मसाले को फ्राई करेंगे तेल में। अब मसाला हो गया है, हमें जो दालचीनी और इलायची के जो पाउडर रखे पेस्ट रखे थे उसको डालेंगे। थोड़ी देर इसे पकाएंगे। अब इसमें आधा कप करीब पानी डालेंगे।
उसने के बाद पानी हम जो सब्जी को डालेंगे। अब हो गया है मसाला, हम सब्जी को डालेंगे। थोड़ी सी पानी डालेंगे। सब्जी अब हो गई है, हम इसे निकाल देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। हम इसे सर्व कर देंगे। आप इसे चावल के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए और आप हमें बताइए आपको ये डिश कैसी लगी। इसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन हमारे वेबसाइट में आपको मिल सकती है। अब हमारे वेबसाइट www.maninescitchen.com में विज़िट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।